अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे? एक सेकेंड जरा, क्या प्रॉब्लम है? एक सेकेंड, कर्सर क्या कर रहा है? जस्ट वेट बच्चों, जस्ट वेट, कुछ इश्यू दिख रहा है मुझे। हुआ क्या? पेंटेप पता नहीं क्यों, पेंटेप कनेक्ट तो है, फैन भी कनेक्ट काम कर रहा है, तो ये उस पे काम क्यों नहीं कर रहा था? जस्ट वेट हो रहा, जस्ट वेट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है ना बेटा, कुछ स्क्रीन शेयर होने में एक तो प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन क्लियर, मेरे से स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों, अभी तो क्लास हुई है जस्ट थोड़ी देर पहले। सर ऐसा ही हुआ था सर, गीतांजलि मैम गीतांजलि मैम के साथ भी यही हुआ था। क्या किया था क्या? फिर सर उन्होंने क्लास नहीं ली थी उस दिन हमारी ना, गीतांजलि मैम को पूछो सर, आप गीतांजलि मैम को पूछ लो, शायद उनके पास भी सोल्यूशन होगा कोई। ये प्रॉब्लम पहली बार आई है, अभी तक तो कभी नहीं आई थी वैसे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग फालतू में वो रखी हो। चलो होने दो, मैसेज तो किया है मैम, एक बार खुद से सारी चीजें ट्राई करता हूँ, एक बार क्या दिक्कत आ रही है।
गुड इवनिंग सर। अभी जस्ट मैंने क्लास ली है 12th वाले बच्चों की, तो उसमें कोई इशू नहीं था, एकदम क्लियर था सब कुछ। मेरे पता नहीं क्या है, सामने ऐसा ही होता है, फिर क्या ऐसा हमारे साथ ही होता है कि चलो तांजलि में क्लास में भी हमारे साथ ही इश्यू बनता है। यस सर सर, की तांजलि मैम बोल रहे थे कि ये लिंक में ही प्रॉब्लम है। सर शायद ऐसा हो करो, आप सकता एक न्यू लिंक शेयर करो सर ग्रुप में। है। यस सर, देख न्यू लिंक देख शेयर रहा हूँ, करो, क्या देख रहा कर हूँ रहे हो। थोड़ा सॉल्यूशन उसका कुछ। यस हाँ, अंजलि तुमने पूछा क्या मैम से? नहीं आ रहा प्रॉब्लम सॉल्व। तुमने बताया था क्लास की लिंक में प्रॉब्लम है। सर शायद ऐसा ही होगा आपके साथ भी। सर शायद आपके लिंक में भी कोई इश्यू होगा, तब भी नहीं हो रहा। और अपने साम दाम दंड भेद चारों चीजें लगाता हूँ। फिर 10th क्लास के हिसाब होता है इसमें से भी। सर 10th क्लास हमारे साथ डर तो हमारे अटेंडेंस लगेगी। लगेगी शायद, 10th इम्पोर्टेंट क्लास है ना इसकी। यस मोलिका, तभी होता है हमारे साथ ऐसा। हाँ वैसे भी 10th क्लास के साथ हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, इशू। एक बोला वैसे अंकिता आपने। हाँ तो पता है मुझे, ठीक है बोला। अभी सॉल्यूशन निकालता हूँ, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, मैं खुद ही सॉल्यूशन निकालता सर आप नया लिंक शेयर कर दो, फिर हम सब ज्वाइन करते हैं, क्या पता हो जाए। हूँ। अरे नहीं होगा, इसी से होगा, हम इसी से करेंगे, ऐसे नहीं होगा। होगा होगा, जरूर होगा। सबके पास तरीका है, हो गया, हमें तो पता ही हाँ नहीं है। जस्ट शेयर कर रहा हूँ अभी आपको स्क्रीन। स्क्रीन आ रही है? नो सर। यस सर, कांग्रेचुलेशन यस सर। सर, यस सर, अच्छा यस सर, यस ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? एमिटर सर, एमिटर प्रमोट जोनरेटर, सब पोटेंशियल के सामने और उससे पोटेंशियल। डिस्टिंग तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब
हमने कहाँ कहाँ पे हीट देखी है, आपने देखा होगा कि हीटर, हीटर में देखा है, ठीक है, और सर प्रेस ट्यूबलाइट बल्ब रेफ्रिजरेटर प्रेस आयरन आयरन में देखा है, ठीक है। आज हम देखे, देखो जो हमने हीट प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होती है उस चीज को देखेंगे, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में हीट प्रोड्यूस होती है, कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और कुछ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और हम देखेंगे मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम कैसे देख सकते हैं, कैसे नापेंगे कि हमारी इतनी यूनिट बन रही है, मीटर लगा है ना आपके घर पर, यूनिट कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे आज। अच्छा मुझे तीनों क्वेश्चन के आंसर बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट। सर वोल्ट मीटर, सेकंड का एमीटर, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा हेयर ड्रायर, जो क्या मस्त बच्चा है, छोटा सा बच्चा है ना, क्यूट सा है ना, उसके बाल सुखाए जा रहे हैं, ये हेयर ड्रायर क्या करता है, हेयर ड्रायर क्या करता है सर, आप बालों को सुखाता है ना, इसके अंदर एक छोटा सा हीटर भी लगा होता है जिससे कि एयर को गर्म करके फेंकता है, गर्म एयर फेंकता है जिससे क्या होता है आपके बाल जल्दी सूख जाते हैं। तो क्या हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे और हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है? सिमिलरली आयरन जो आप कपड़ों पे करते हो ना, हाँ बेटा बताओ क्या बोल रहे हो बेटा, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, मुझे आपकी तरह में तो क्लियर आ रही है बेटा, हो सकता है बेटा एक दो बच्चों को, बच्चे को अगर इशू है तो हो सकता है नेटवर्क का इशू आपकी साइड में, क्योंकि नेटवर्क का इशू मेरे साइड में तो पक्का नहीं है, ठीक है। तो ये आयरन से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, कैसे गर्म हो जा रही है आयरन, इसी पे बेस हम पढ़ेंगे क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जैसे हीटर देखा होगा आपने, हीटर देखा है, अरे सर्दियां आने वाली हैं तो रूम में लगा के ऐसे 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 हाथ से घूमते हैं कि नहीं, यस सर, यस सर होता है, यस सर। आपको याद है मैंने ओम्स लॉ बताया था, ओम्स लॉ, यस सर, यस सर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट जनरेट, हीट जनरेट करता है। क्या रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, हाई होगा, क्या हीट मेरी उतनी ज्यादा जनरेट होगी? यस सर, देखा होगा जितने ज्यादा, जैसे वो होता ना, आपको 10 रुपए वाला बल्ब देखा है आपने, जो येलो येलो लाइट करता था पहले, उसमें जो वायर होता था, उसका जो फिलामेंट होता था, उसका रेजिस्टेंस, उसका नाम क्या होता था, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई। सिमिलरली आपके जो हीटर की जो वो होते हैं स्प्रिंग्स होती हैं हीटर की, उनका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, उनका भी रेजिस्टेंस हाई होता है, उनका भी रेजिस्टेंस क्लियर है सर, वो नाइक्रोम के होते हैं, टंगस्टन के, हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बना देते हैं, वो हमें मतलब नहीं होते कौन से मटेरियल है, ये बात की बात है, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में इन डिटेल, लेकिन अभी आप इतना जानो कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होगा तभी आपका क्या होगा, हीट जनरेट, जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीट का जनरेशन, क्लियर है कुछ नहीं बताया मैंने, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जैसे ये आयरन है कपड़े पे प्रेस कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और हीट में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं,
यस सर। सिमिलरली ब्लोअर के अंदर जो आपका हेयर ड्रायर होता है उसके अंदर भी एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा लगा होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, पीछे से एयर को लेता है हाई स्पीड में और आगे की तरफ गर्म हवा फेंकता है, ये फेंकता है ना गर्म हवा, जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी से सूख जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी से सूख जाते हैं। सिमिलरली हमारा हीटर के साथ भी होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो आप सर्दियों में यूज करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। नाइक्रोम वायर का जनरली होता है, जैसे एक बच्चे ने बोला भी था कि नाइक्रोम वायर का होता है, नाइक्रोम लिख भी दिया है। अब आपको मेन चीज क्या है, हमें रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा क्या उतना ही ज्यादा हीट जनरेशन होगा, होगा कि नहीं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, हीट का जनरेशन। ये क्या बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने, क्या बोला कि भैया जो हीट जनरेट होगी वो जो उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उस कंडक्टर में उसके स्क्वायर के इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और कितने टाइम के लिए हीट ट्रांसफर करी जा रही, वो सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है या फिर करंट फ्लो कराई जा रही है उस टाइम के भी मल्टीपल में होगी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आप बोल सकते हो कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H is directly proportional to R, H is directly proportional to T। अब इसकी फीलिंग दिलाते हैं, जैसे मान लो करंट जा रहा है किसी उसमें I, अगर क्या उसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी? यस सर। अच्छा सिमिलरली क्या हम ज्यादा टाइम के लिए अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या हमारा ज्यादा हीट जनरेट होगी? यस सर। Yes, अगर प्रेस को, अगर आप आयरन को जस्ट प्लग लगाया और निकाल लिया, क्या आयरन गर्म हो जाएगी? नो सर। गर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको बोर्ड में लगा के रखना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि ऑटोमेटिक आयरन आती है, अब बोर्ड में लगाओ जैसे ज्यादा गर्म होगी ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, राइट? होती है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी कट ऑटोमेटिक आयरन? वो ऑटोमेटिक सिस्टम अब आने लगा, पहले बहुत पहले की बात है, आज से 10-15 साल पहले की बात है, तब ऑटोमेटिक आयरन नहीं आती थी, आपको मैनुअली बंद करना पड़ता था उसको, तो उसमें क्या होता था कपड़े बहुत जला देता था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता था क्या हीट बढ़ती थी वैसे वैसे? यस सर। जैसे जैसे हीट ज्यादा बढ़ जाती थी तो कपड़े क्या करते थे, कपड़े उससे आयरन से चिपक जाते थे, जो जिसे हम बोलते थे कपड़े जल गए। यस सर। समझ में आ रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, समझ में आया आपको? यस सर। ओके अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको कर दो जरा फास्ट, इजी सा क्वेश्चन है, करो जरा इस क्वेश्चन को। सर 48 जूल। ओके और किसी का आंसर आया? एक बार फिर से बता दो सर, पीछे थोड़ा सा पीछे वाला। जूल ने एक डेफिनेशन दी जिसमें बोला उन्होंने कि जो हमारा हीट जनरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण हीट कितना जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने टाइम के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट में हीट का फ्लो करा रहे हैं, इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा एक बात, मोबाइल जब आप चलाते हो क्या चलाते चलाते मोबाइल गर्म हो जाता है? गर्म होता है ना, तो क्या वहां पे भी हम आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगा सकते हैं? बस हमें मोबाइल के अंदर के सभी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता चल जाए और टाइम पता चल जाए कितनी देर आप पबजी खेल रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, और करंट पता चल जाए कितना बैटरी हमारी करंट सप्लाई कर रही, तो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? अब जरा ये फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन कितने लोगों का आया, आंसर बताओ जरा, एंड्रेस करो सब लोग। कितने लोगों का आंसर आया है? 5 लोगों का आंसर आया है बस अभी। सिंपल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस। 10 लोगों का आंसर आया है। फोर्टी एट जूल कितने लोगों का आंसर आया है, हैंड रेस करो। 48।
अच्छा सबका 48 आया है, ओके ठीक है। देखो जरा, देखो फिजिक्स में हमेशा याद रखना है सॉल्यूशन करते टाइम आपको पहले तो क्या पूछा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ये फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। अब देखो आई स्क्वायर क्या है मेरा, अब हमें दिया क्या क्या है, हमें दे रखा है आर, दे रखा है रेजिस्टेंस, हमें दे रखा है 3 ओम, सिमिलरली करंट दे रखा है हमें 4 ओम, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, टाइम कितना 1 मिनट। बेटा सबका गलत है आंसर, 1 मिनट टाइम दे रखा है, 1 मिनट दे रखा, 60 नहीं आएगा ज्यादा, वो सॉरी 45 नहीं आएगा ज्यादा आएगा, 1 मिनट को क्या मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ, 2880 जूल। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है भाई? पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन, रेट ऑफ वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर बोल सकते हो वर्क पर यूनिट टाइम। अगर आपको पावर लॉस निकालना हो तो क्या होगा? पावर लॉस क्या होता है? हीट जनरेटेड डिवाइडेड बाई टाइम, हीट जनरेटेड डिवाइडेड बाई टाइम। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो कि पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला था VIT, VI into T, और नीचे टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगी, आपको याद रखना है हमेशा ये फॉर्मूला, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद, मतलब यूज में आने वाला है कि पी इक्वल टू वी आई, वी आई को आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर को वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते। अब देखो यार ये कैसे लिख रहे हैं हम, जरा थोड़ा सा देखो, P equal to VI, सबको समझ में आया VI कैसे आ रहा है? Yes, sir. अब देखो क्या हमने V equal to IR पढ़ा था ओम्स लॉ में? Yes, sir. इसमें से मान लो V को हटाना है, V को हटाना है तो क्या मैं V की जगह पर IR लिख सकता हूँ? IR into IR, तो क्या I square R हो गया? Yes, sir. सिमिलरली अगर मुझे P चाहिए किसके टर्म में? V और R के टर्म में, I मुझे नहीं दिया है, V और R के टर्म में चाहिए, तो क्या मैं क्या करूं? I को हटा दूं यहां से, I को हटा के V upon R लिख दूं I की जगह पर, अरे इसमें V upon R लिख दूं तो V into, इसी को देख रहा हूं, V into I की जगह पर क्या कर रहा हूं? V upon R, तो क्या हो जाएगा? P equal to V square upon R हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है सबको? बताना एक बार, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो पहले हमने क्या किया, P equal to VI फॉर्मूला होता है, हमने, हमें चाहिए I और R के टर्म में। मान लो किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो I और R के टर्म में दे रखा है, हमें पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? V को रिप्लेस कर दिया IR से, हमने V equal to IR फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें चाहिए पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में करंट नहीं दिया हो तो क्या करोगे आप? इस वाले में पोटेंशियल को गायब कर दो, सॉरी करंट को गायब कर दो, करंट को अगर यहां से हटाना है तो क्या मैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर पुट कर सकता हूँ? यस सर, हमने आई की जगह पे वी अपॉन आर पुट कर दिया, तो वी इंटू वी, वी स्क्वायर आर नीचे वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? यस सर। वन वॉट इसको हम बोलते हैं, वन वॉट बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 वॉट ऑफ पावर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लू अक्रॉस अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक वॉट एनर्जी किसको बोलेंगे हम, एक वॉट पावर किसको बोलेंगे हम, जब एक एम्पियर करंट, एक 1 एम्पियर करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रही हो तो उसको पावर को हम क्या बोलेंगे? 1 वॉट पावर बोलेंगे। अरे आप ये दे लो, देख लो, चलो P इक्वल टू वी आई, ठीक है। अगर मैं V को भी 1 रख दूं और I को भी 1 रख दूं,
क्या मेरा पावर 1 वॉट आएगी? यस सर। आप यही तो बोल रहा है डेफिनेशन में कि 1 एम्पियर करंट को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करा रहा हूं, तो क्या मेरा 1 वॉट पावर होगी वो वाली पावर? यस सर। अरे जब मैंने न्यूमेरिकली बताया आपको समझ में आ गया, थ्योरी से बता रहा था आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। क्लियर है? यस यस सर। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, ये सर एक बार फॉर्मूला बताना पीछे। ओके फॉर्मूला कौन सा वाला बेटा? अच्छा खुद ही देखो, खुद ही चीटिंग करो भले। P इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला लगेगा उस क्वेश्चन में, लिख लिया? देखो जब आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन करो चीटिंग से, फुल्ली फुल चीटिंग, कोई टेंशन नहीं, चीटिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीटिंग करो कोई दिक्कत नहीं, चीटिंग करते करते ही फॉर्मूले याद होंगे आपको, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। ओके सर। कितने बढ़िया सर है ना, आपको चीटिंग करने के लिए बोल रहे हैं ना। यस सर। ऐसे कोई सर मिलेंगे क्या चीटिंग करने के लिए बोले जो? क्या रहा है? 10.8 वॉट। सर मेरा भी यही है। देखो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। आप देखोगे अ मोबाइल फोन्स बैटरी वर्क्स 12 वोल्ट, लो मोबाइल के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, 12 वोल्ट की बैटरी है तो क्या मैं V बोल दूं 12 वोल्ट है मेरा, बोल दूं? यस सर। यस सर। एंड रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड करंट 0.9 एम्पियर, यानी कि करंट दे रखा है कितना? 0.9 एम्पियर। म्यूजिक प्ले, जब आप गाने चलाते हो तो 0.9 एम्पियर करंट उसको देना पड़ता है बैटरी को। हाउ मच पावर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सेम, कितना पावर रिक्वायर होगी इसके लिए? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला पढ़े हो? V क्या है मेरा? 12 वोल्ट। एंड आई क्या है? 0.9। इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 10.8 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है सबको? देखो वॉट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड भी लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा, वॉट को हम जूल पर सेकंड भी लिखते हैं। क्लियर है सबको? बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये रेस्पॉन्स निकला। हाँ सर, 1 किलोवाट पर सेकंड में कितने जूल होते हैं? बट बेटा वेट करो। अभी हम ये सारी चीज देखेंगे, अभी अब जब हम मीटर की रीडिंग निकालेंगे ना, जब मीटर की रीडिंग निकालेंगे तब ये चीज मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो। सारव के दिमाग में क्या? सारव के दिमाग में पहले से ही आ जाते हैं सारे क्वेश्चंस। वेट करो बेटा, ठीक है, जस्ट वेट। ये इसका सॉल्यूशन, अब हम आते हैं जो आप कहना चाह रहे थे ना, वो अब आ रहा है। देखो आपने देखा होगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट मतलब उसमें जो आपके मीटर लगा होता है उसमें यूनिट किसमें होती है? आपने देखा होगा किलो वॉट आवर लिखा है, देखा होगा, देखा है आपने? यस सर। उसका मतलब क्या है? नहीं देखा मीटर पर लिखा हुआ? यस सर। अगर वन यूनिट है आपकी, वन यूनिट का मतलब क्या है? वो 1 किलोवाट आवर है, वो एक्चुअली 1 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है आपने कोई भी एक वॉट बोल रहा है, ये 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम, 1 वॉट ऑफ पावर यूज फॉर 1 आवर, नहीं 1 किलोवाट होगा ये, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट ऑफ पावर। अगर आप 1 किलोवाट का कोई भी चीज चला रहे हो एक घंटे के लिए, कोई भी मान लो आपकी आयरन है 1 किलोवाट की, 1 किलोवाट की आपकी आयरन है, अगर आप 1 घंटा उसको चलाओगे तो कितना यूनिट बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। यानी कि 1 किलोवाट आवर पावर क्या होती है? वो पावर
जो कि हमारा 1 किलोवाट के किसी इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटा चलाने पे 1 यूनिट बनाए, यूनिट जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। समझ में आई बात? यस सर। अगर मान लो मेरी 1 किलोवाट की आयरन है, अगर मैं 5 घंटे चला रहा हूं तो मेरी कितनी यूनिट बनेगी बताओ जरा? 5 घंटे चला रहा हूं पांच यूनिट बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 किलोवाट आवर को लिख सकता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर? यही होता है ना भाई, 1 किलोवाट को 1 घंटे के लिए यूज किया जाए। अब से इस 1 आवर में क्या 1 आवर में क्या 3600 सेकंड होती हैं? Yes, आवर को 3600 सेकंड होती है। और 1 किलोवाट को क्या बोल सकते हैं? 1 किलोवाट को हम क्या बोल सकते हैं? 1000 वाट। क्या बोल सकते हैं? 1000 वाट। 1 किलोवाट को हम बोल सकते हैं, 1 किलोवाट को हम बोल सकते हैं 1000 वाट, और 1 आवर को बोल सकते 3600 सेकंड। अब देखो वाट को क्या लिख सकता हूँ मैं? अब हमारा मान लो यहाँ से आ गया हमारा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट को क्या मैं जूल पर सेकंड लिख दूँ? यस सर। तो देखो क्या सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा? यस सर। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36 पे 6 जीरो आएंगे, 3 5 6, देखो 3 2 5 आएंगे, सॉरी 5 जीरो आएंगे। क्या आएगा ये? जूल में आएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6 × 10⁶ जूल? समझ में आया? अब जो आप पूछ रहे थे बेटा, आपने एक बच्चे ने पूछा था मुझे, एक बच्चे ने पूछा था कि सर 1 किलोवाट सेकंड में कितने जूल होंगे, यही पूछा था ना? यस सर। सेक्शन इज सर अपने देखो 1 किलोवाट सेकंड में, अब एक बात बताओ 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट होंगे। और सेकंड का मतलब, सेकंड का मतलब सेकंड बोलो अलग से भाई, टाइम को सेकंड या 1 सेकंड बोल दूं? Yes, sir. है कि नहीं? या yes, और इस वॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉट को क्या लिख सकता हूँ? जूल लिख सकता हूँ, 1000 जूल पर सेकंड इनटू सेकंड। क्या सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा? क्या 1 किलोवाट सेकंड में मेरे 1000 जूल होंगे? यस सर। ना 1 किलोवाट आवर में क्या हो रहा है आपका, 3.6 × 10⁶ जूल हो रहा है। ये बेटा 10⁶ है, याद रखिएगा, ये जो है आपकी क्या है, 10⁶ है, 106 मत समझना इसको। क्लियर है? यस सर। अब हम देखेंगे वो हमारे पास जो रीडिंग होती है, देखो ये लिखा है मीटर के ऊपर किलोवाट आवर, लिखा है कि नहीं लिखा है किलोवाट आवर? यस सर। आप बोले थे आपने देखा नहीं है लिखा हुआ कहीं, आप तो ये बोले थे आपने देखा ही नहीं सर। देखा है। अभी तक नहीं देखा था तो अब देख लिया। देखो मान लो आपके घर में, आपके घर में क्या हो रहा है, एक फ्रिज चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है जो कि 400 वाट का है 10 घंटे के लिए। 400 वाट का फ्रिज चल रहा है 10 घंटे के लिए और 80 वाट के 2 बल्ब है ना, 2 फैन है, 2 इलेक्ट्रिक फैन है 80 वाट के, जो कि 6 घंटे डेली चलते हैं और 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं, जो कि 18 वॉट की हैं, वो 6 घंटे डेली चलती हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि पूरे मंथ का बिल कितना आएगा। यस सर। कैलकुलेट करो जरा। करो कैलकुलेट। आपको दे रहा हूं मैं 5 मिनट, इसके लिए 5 मिनट दे रहा हूं आपको, कैलकुलेट करो। किलोवाट आवर में एनर्जी निकालनी है आपको, किलोवाट आवर में रीडिंग निकालनी है जो आपको मीटर में दी हुई होती है। निकालो,
सर ये वाली स्लाइड एक बार रिपीट करना सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कौन सी वाली? यही वाली स्लाइड? यस सर, जो दिख रही है आपको, यही वाली स्लाइड की बात कर रहे हो आप? Yes, देखो yes, आपको sir. दे रखा है एक रेफ्रिजरेटर है, यानी कि फ्रिज है आपका, 400 वॉट का है, 10 घंटे चला रहे हो आप डेली। सिमिलरली दो बल्ब है, सॉरी फैन है, जो कि 80 वॉट का है, हर एक फैन 80 वॉट का है, जिसको आप 6 घंटे डेली चला रहे हो। सिमिलरली 6 ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं, जिसको जो कि 18 वॉट की है, हर एक इलेक्ट्रिक ट्यूब 18 वॉट की है, जिसको आप 6 घंटे डेली चला रहे हो। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी मीटर में रीडिंग क्या आएंगी, उस महीने मीटर में रीडिंग क्या आएंगी, कैलकुलेट करना है। पहले आप डेली का निकाल लो, उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देना, मंथली आ जाएगा। डेली की यूनिट निकालो पहले। यस सर। हाँ नहीं, अंकिता आंसर आया आपका? सर 521 रुपीज। 521। ओके यस सर। ठीक है सर, रेट कितना है सर? क्या सर रेट कितना है पर यूनिट का? रेट रहने दो, आप नंबर ऑफ यूनिट बता दो, मैं रेट वेट बाद में लगा लेंगे, पैसे की बात बाद में कर लेंगे, पहले यूनिट बना दो, बता दो कि टोटल यूनिट मंथली कितनी बनेगी। अनीश चंद बताओ आंसर, अनीश कपूर सॉरी। सर 6.568 किलोवाट आवर। सर कितना? 6.568 किलोवाट आवर। ओके सौरभ। सर मैंने अभी सामने किया है, अलग अलग आए हैं। हाँ अलग अलग बताओ सबके। सर एक का 4 किलोवाट आवर, दूसरे का 0.096 किलोवाट आवर और तीसरे का 6.48 किलोवाट आवर। हाँ तो तीनों को ऐड करो ना बेटा सौरभ, तीनों को ऐड करो, आपका डेली कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है वो आ जाएगा, फिर उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर मंथ में कितना खर्च हो रहा होगा वो आ जाएगा, फिर जितने रुपए यूनिट का रेट हो, जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होता है, मान लो 5 रुपए यूनिट है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें आपका मंथली बिल आ जाएगा। ध्यान से ही। सर 6.568 kWh। ओके 6.56 ओके समथिंग। ओके अभी तक अप्रोक्सीमेटली जो पहुंचा है ना वो सौरभ पहुंचा है, सौरभ का आंसर आया अप्रोक्सीमेटली। चलो करते हैं जरा इसको सॉल्व। देखो हमें चाहिए किसमें? किलोवाट आवर में चाहिए आंसर, चाहिए कि नहीं किलोवाट आवर में? जरा इसको देखो। yes, इसको देखो फर्स्ट वाले को, ए को देखो पहले, ए को क्या होगा? क्या 400 वॉट को मैं 0.4 किलोवाट लिख सकता हूँ? yes, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो क्या 1000 वॉट में 0.001 किलोवाट होंगे? सॉरी 1 वॉट में तो मैं 400 वॉट में क्या हो जाएगा, 400 वॉट में क्या 0.4 किलोवाट होगा? होगा। अरे 0. ये वॉट है,
ये वॉट है, इसको मैं किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा ये बताओ। यस सर। यस सर। किलो वॉट में हो जाएगा 0.4 किलो वॉट, तो 0.4 किलो वॉट इंटू कितने टाइम के लिए यूज किया जा रहा है, 10 घंटे के लिए, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा जो फ्रिज डेली जो रीडिंग बनाएगा वो कितनी बनाएगा, 4 रीडिंग बनाएगा, 4 किलो वॉट आवर बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली बी को देखो जरा, बी क्या है मेरा, 2 इलेक्ट्रिक फैन है, 2 फैन है पहली बात तो 80 वॉट के हैं, 80 वॉट को मैं किलो वॉट में क्या लिखूंगा, 0. या फिर बोलो कि 80 डिवाइडेड बाई 1000, और कितने घंटे के लिए यूज किए जा रहे हैं, 6 घंटे के लिए, 6 आवर्स। ये यहां से कितना आएगा बताओ जरा, कितना आ रहा है बेटा सर? 0.096 पॉइंट जीरो के 0.96 ओनली सर, 0.096। एक सेकंड, 2 × 8 × 6 डिवाइडेड बाई 100, 0.96 आएगा बेटा, 0.096। देखो एक जीरो से जीरो कट गया, 8 × 6 = 48, 48 × 2 = 96 होगा। यस सर। 96 डिवाइडेड बाय 100 क्या 0.96 आएगा? यस सर। यस सर। सिमिलरली जरा सी को देखो। यस सर। सी वाले में क्या बोल रहा है, 6 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, 6 बल्ब हैं भैया, 18 वॉट के हैं, 18 वॉट के हैं, 18 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू क्या आएगा, कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए, कितना आएगा ये बताओ जरा, 18 × 36.48 0.648 किलो वॉट आवर। ये हमारा डेली का बिल आया है, डेली का बिल, हर एक का डेली का बिल, और तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा मंथ का आ जाएगा, सॉरी डेली का बेटा, डेली का टोटल बिल कितना होगा मेरा, क्या 4 + 0.96 + 0.648 इतना होगा कि नहीं होगा डेली का, डेली यूनिट में कितना बनना है, 4 + 0.96 + 0.648 तो मेरा कितना आ रहा है, 5.608 किलो वॉट आवर आ रहा है पर डे। फॉर मंथ के लिए क्या करोगे फिर आप, 30 जब आपको मंथ बोले ना 30 लोगे हमेशा याद रखना, तो आपकी यूनिट बन रही है 168.24 किलो वॉट आवर, ये आपका आंसर होगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन दे देता कि भैया 2 रुपए यूनिट है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 10 रुपए यूनिट है इसमें 10 का मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है यूनिट कैसे निकाली है हमने? यस सर। ये उसका डिटेल सॉल्यूशन है जो मैंने अभी बताया आपको, सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, ठीक है, इसमें ले लिया 3 रुपए यूनिट लिया, इसमें 3 रुपए यूनिट लिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया कर दिया, बस सिंपल आपका आ गया आंसर 504.72 आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, कैलकुलेट द डेली बिल इफ 500 वॉट बल्ब वर्क फॉर 7 आवर्स पर डे, 1 इलेक्ट्रिक हीटर जो कि 500 वॉट का है वो चल रहा है आपका 3 आवर्स पर डे, देन यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 6 रुपए पर यूनिट है। आपको डेली बिल बताना है कि डेली का कितना बिल आएगा, मंथ का नहीं, बर्डन नहीं डाला है आपके ऊपर कि मंथ का निकालना है आपको, आपको डेली का बताना है। जरा करो इसको, अब तो कर दोगे इसको, करो जरा इसको, इजी क्वेश्चन है, अभी कराया है, 500 कितना आ रहा है, 500 ध्यान से करो बेटा, सर 30 रुपीज आ रहा है, एक बच्चे का 30, सौरभ का आया है 30 रुपीज, अनीस कितना है आपका, अंकिता, अंकिता आंसर बताओ, कर रहा हूँ 30 रुपीज, साक्षी सर 30 रुपीज, चंचल
30 रुपीज। अच्छा सबका 30 आ रहा है, ओके चलो देखते हैं जरा। टोटल डेली रीडिंग पहले निकालते हैं, टोटल डेली रीडिंग। टोटल डेली रीडिंग क्या आएंगी? क्या इस ये फैन व्यू है आपका, क्या है ये बल्ब है, बल्ब कितना है, 5 बल्ब है ना, तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 ये किलोवाट में हो गया, इनटू 7 आवर्स चल रहा है, क्या इतनी रीडिंग पंखा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। प्लस सिमिलरली 500 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर है, क्या 500 डिवाइडेड बाई 1000 इनटू कितने घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है। अब ये कितना आ जाएगी, यूनिट पर डे आएगी, ये आपकी यूनिट पर डे आएगी, तो ये कितना आएगा जरा, ये 0000 कैंसिल हो गया, सिमिलरली यहाँ पे 0000 5 2 10 5 2 10 यानी कि 7/2 प्लस ये आपके आएगा 3/2 यही आ रहा है। यस सर। एक किलोवाट आवर पर डे आ रहा है, तो अब यहाँ से देखोगे 7 और 3 कितना हो गया 10 10/2 यानी कि 5 किलोवाट आवर यूनिट आई है आपकी पर डे की, एक डे में आपका 5 यूनिट खर्च हो रहा है। अब तो आपको एक डे में रुपीज निकालने हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर बोले मनी रीडिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी रीडिंग कितनी है आपकी, टोटल रीडिंग कितनी है 5 यूनिट, आप कितने किलोवाट पर आवर है, 3 रुपीज 6 है ना बेटा, 6 रेट, रेट 6 रुपए पर किलोवाट आवर है, तो 5 यूनिट बनी आपकी 6 रुपए है, तो कितना आ गया 30 रुपीज। काफी बच्चों का आंसर करेक्ट आया था, समझ में आया। अब आप मम्मी पापा को बता दोगे घर पे कि पापा पंखा कम चलाओ, ये इतने वाट का, इतने घंटे चलाओगे तो इतनी रीडिंग बनेगी, बता दोगे कि नहीं? यस सर। मम्मी को भी समझा दोगे? Yes, sir. ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, होमवर्क के 3 क्वेश्चन है जो कि आपको घर पे करने हैं। अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ मुझे, और क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, कैलकुलेटिंग पावर, कैलकुलेटिंग बिल, पावर पढ़ा है, पावर पढ़ा है, और बिल कैलकुलेशन, बिल और फोर्थ क्या किया हमने, क्वेश्चन भी। आज की क्लास में कोई डाउट आपको? नो सर। नो सर। क्लियर है, क्लियर है, फिर चलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक आपको, ठीक है बच्चों? यस सर। बाय एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर।